हेलो एवरीवन, आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम ना डिफरेंट टाइप की यूनिक टूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, यूनिक टूल्स से मतलब है कि नॉर्मल टूल्स जो आते हैं हैंड टूल्स या पावर टूल्स, ये तो है ही। इसके अलावा कुछ यूनिक टूल होते हैं जो मल्टीपर्पज होते हैं, जो हॉबी टूल्स के लिए काम आ सकता है, कई जगह पे प्रोफेशनली भी काम आ सकता है। तो इसके बारे में देखेंगे। ये 8-in-1 सॉकेट रिंच है और इसमें ना क्या क्या है डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, और कैसे एक टूल ना बहुत ही मल्टीपर्पज काम आ सकता है, कि एक टूल से हम कितने सारे मैक्सिमम काम कर सकते हैं। इसका आगे बढ़ते हैं। मैंने जब इसके थ्रू जा रहा था तो ये बहुत ही यूनिक टूल लगा मुझे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको एक हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये चार ऊपर की तरफ है सॉकेट्स और चार नीचे की तरफ है, और ये इस तरीके से इसका लुक है। देखिए, अलग डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हैं। क्या क्या शेप साइजेस हैं वो आगे देखेंगे। इसमें देख सकते हैं इसकी लंबाई लगभग 10 इंची है, और ये अलग अलग शेप साइज में भी मतलब अवेलेबल होगा। और मैंने इसे ऑफलाइन तो नहीं, बट ऑनलाइन मैंने इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा है। और ये ना राउंड घूम सकता है 360 डिग्री, और ये इसकी ना एडवांटेज है, और ये डिफरेंट एंगल्स पे भी यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ये 360 डिग्री घूमता है। आगे इस बढ़ते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका फीचर्स दिया हुआ है, और कुछ और भी इसके डिफरेंट लुक्स देख सकते हैं अलग अलग जगहों से, कि किस तरीके का ये मशीन ये दिखता है, मतलब ये टूल। इसके कई सारे मल्टीपर्पस यूजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट एक चीज़ आप गौर करोगे तो यहाँ पे जो इसकी जो डिथ है, ये 6 पॉइंट या 12 पॉइंट नहीं, ये डिफरेंट है। ये इसको बोलते हैं स्प्लाइन है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एक और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये बाइक का, यानी मतलब बाइसिकल का, ये साइकिल का खोल रहे हैं नट बोल्ट, ये यहाँ पे कार के पहिए का खोल रहे हैं, कुछ घर में घरेलू काम कर रहे हैं, फर्नीचर है या किसी दूसरे टाइप के और कर रहे हैं। और ये पास थ्रू सॉकेट की तरह भी ऐसे यूज हो सकता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि अगर ये हेड लंबा है तो उसमें भी ये काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको ना जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैं स्टडी करता था, वो क्या 48-in-1 भी सॉकेट रिंच बोल रहे थे। इन्होंने जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह ये काम ही आए, ये क्या है कि मैच करना पड़ेगा इसके साइज से। 48-in-1 से मतलब है कि 48 डिफरेंट टाइप्स के अप्लीकेशन इससे हो सकते हैं। 8 तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये एक साइजेस में, इसके साइजेस में डिफरेंट डिफरेंट बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी वो सेम अप्लीकेशन यहाँ पे मैंने लगा रखा, ठीक है। ये स्प्लाइन सॉकेट की क्या फीचर होती है वो देख लेते हैं, और किस तरीके से काम कर सकता है। ये स्प्लाइन सॉकेट्स क्या होते हैं, इस तरीके से होता है, ये इसमें 6 या 12 पॉइंट नहीं होता है, इसमें ये मल्टी होते हैं, ठीक है। और स्प्लाइन सॉकेट्स में बहुत ज़्यादा पावर दिया जा सकता है। और इसकी खास बात करें तो देख सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप के नट वोल्ट भी इसमें फंस जाता है, जरूरी नहीं कि हैक्स हो। और ये पेंटागोन है या मल्टी 8 पॉइंट वाला सॉकेट हो तो, या बहुत सारे स्प्लाइन मतलब मल्टी हेड, ज़्यादा हेड वाले कुछ नट वोल्ट हो तो वो भी इसमें लग जाएंगे और उसको अच्छे से ये खोल देगा। ये एडवांटेज है इस सॉकेट रिंच का। और इसमें जैसे यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, मान लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ये बोल दिया है इसको बी, तो इसमें कौन कौन से साइजेस के नट बोल्ट खुल सकते हैं ये देखिए। 13 mm का 13 mm है, 11 mm है, 10 mm है, 8 mm है, यानी 8, 10, 11, 13, ये 13, ये चार साइजेस इधर है। और ये नीचे वाले में आप देखेंगे तो 14, 16, 17 और 19 है। अच्छा, ये हर साइज है ना, जैसे ये मान के चलिए कि आपका कोई 8 mm का साइज में ले लेता हो, तो ये 8 mm का ना ये हेक्सागोनल भी खोल देगा, आपका क्या कहते हैं 12 पॉइंट वाला जो वाई हेक्स नट बोल्ट कुछ होगा वो भी खोल देगा, जो थोड़ा सा राउंड हेड का होगा, जो मतलब थोड़ा सा डैमेज वैमेज है जो मैं आगे दिखाऊंगा उसको भी खोल सकता है, टॉक्स, स्प्लाइन, स्क्वायर। तो ये इनका कहना है कि हर एक साइज से 6 खुल सकता है, तो 8×6 = 48 हो जाते हैं, यानी 48 डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ जो जनरली चलता है। तो इससे एक नट एक होने से ना क्या है, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा काम रहता है नट वोल्ट का, या जो शौकिया तौर पर रखना चाहती है तो ये रख सकती है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने साइज की बात की है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस किस के, ए साइड में यानी ऊपर की तरफ 8, 10, 11, 13 है, और बी साइड में 14, 16, 17 और 19 है, ठीक है। ये इसके फीचर्स हैं कि ये हैक्स नट है, ये स्क्वायर या आपका जो 12 पॉइंट वाला है, डैमेज नट वोल्ट भी खोल सकता है, स्प्लाइन वाला, स्प्लाइन यानी जिसमें ये मल्टीपर्पज वाला हो वो भी खोल सकता है, ठीक है, ज़्यादा हेड वाले नट वोल्ट हो, मेट्रिक और इम्पेरियल, इंचेस हो, एमएम हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये खोल देगा।
ठीक है, टॉक्स वाला और मिनिमम, जिसको उससे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। ये देखिए इस इतने शेप के जो फास्टनर होंगे ये इसमें खुल जाएंगे। जैसे कि देखिए ये टॉक्स वाला है, ये खुल जाएगा, स्क्वायर हेड का खुल जाएगा, आपका पेंटागोन टिप का खुल जाएगा, इस टाइप का कुछ है। ये क्या है कि साइड में कहीं पर इधर पकड़ लेगा और अपने आप खुल जाएगा, इसको जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पर टच हो। ये बिकॉज ऑफ इसका स्प्लाइन सॉकेट हेड की वजह से। इसके अलावा ये इस टाइप का मल्टीपर्पज, देखिए बहुत सारे इसमें हेड है, 12-13 है मेरे ख्याल से, कि इसको भी ये खोल देगा। ठीक है, इसके बाद इसमें, बट इसमें मैच करना चाहिए, ये या तो 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, या 14 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, इस टाइप का ये होना चाहिए जो कि हमने पीछे देखा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस टाइप के स्क्वायर शेप के हैं, उसको भी खोल सकता है। और जब कोई बार कोई नट वोल्ट ना डैमेज हो जाता है, जैसे राउंड हो गया, नॉर्मल रिंच ना इस पर स्लिप करेगा, तो उसी केस में ये वाला काम आ जाता है। तो राउंड, जिसको राउंड हेड बोलते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है लास्ट में, यहाँ पे आप हाईलाइटर देख रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें भी खोल सकती है ये। और यहाँ पे देखिए जैसे डैमेज हो गया, तो ये चीज़ें भी खोल सकती है। तो ये ओवरऑल इसके ना मल्टीपर्पज काम है। तो आई होप कि वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। और इसमें आप देखेंगे इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस आए दिन चेंज हो रहता रहता है। मैं कुछ दिन पहले चेक किया था, ये 400 कुछ रुपए दिखा रहा था, यानी लगभग 100 रुपीज़ बढ़ गया। ठीक है, आई गेस शायद मैं भी गलत भी हो सकता हूँ कि ये प्राइस है ना, अगर 12 जून की बात करें आज की, तो आज की डेट में इतना प्राइस है। और भी क्या है, बहुत सारी कंपनी अलग अलग नाम से, ये जैसे 4018-1 करके ये सॉकेट बेच रहे हैं, ये इन्होंने ये किया है सारे सेम ही, लेकिन ये अलग अलग सेफ है। जैसे इधर देखिए ये 4081 करके ये 610 है, यहाँ पे 629 रुपये का है, ये 589 का है, ये 498 का है। मैं इसकी बात कर रहा था, सॉरी लास्ट टाइम मैंने इसका देखा था, इसलिए मैं बोल गया कि 400 कुछ रुपये का। तो मैंने इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, सर्च करके भी खरीद सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसी तरीके के बहुत से अमेजिंग और डिफरेंट टाइप के इनोवेटिव टूल्स का मैं वीडियोज लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।